सपा और कांग्रेस के बीच के विवाद का क्या है मायावती कनेक्शन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस प्रकार लोकसभा 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और खासतौर पर बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एक तरफ हमको देखने को मिलता है एनडीए गठबंधन, दूसरी ओर देखने को मिलता है इंडिया गठबंधन। एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के अगुवाई में, और एनडीए गठबंधन लगातार ये दावा कर रहा है कि 300 से अधिक सीटें कहीं ना कहीं इस एनडीए गठबंधन के मुताबिक लाई जाएगी। और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन ये दावा करते हुए बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा, लेकिन समय जैसा जैसा बीतता गया अब इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं उसमें बड़ी फूट होते हुए नजर आ रही है। जिस प्रकार बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनको इस इंडिया गठबंधन के अंदर में शामिल नहीं किया गया, यहां तक कि लगातार यही खबर रही कि इंडिया गठबंधन के अंदर से किसी भी तरीके का न्योता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनको देने को नहीं आया, उनको न्योता नहीं मिला। और उसके बाद में बहन मायावती का भी लगातार ये कहना था कि हम इस इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन किसी भी तरीके कोई गठबंधन के अंदर में शामिल नहीं होंगे, अपने बलबूते पर लड़ने का काम करेंगे, एक ला चलो के सिद्धांत पर चलेंगे। तमाम बातें बहन मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बार बार चीजें कहने का काम किया है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन जिस तर्ज पर बना था कि आने वाले समय में लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बीजेपी को अब सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा और कहने के कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करेगी, लेकिन बता दें कि तमाम जो 28 पार्टियों के साथ में मिला हुआ इस इंडिया गठबंधन के अंदर में एक बड़ी फूट होते हुए नजर आई जब अखिलेश यादव के माध्यम से एक बड़ा बयान दिया गया। और उसके साथ साथ बता दें कि 4 प्रदेशों के अंदर में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, इन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर में 230 विधानसभा की सीटें हैं, इन 230 विधानसभा की सीटों के अंदर में जिस तरीके से कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही है, बीजेपी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, अगर कांग्रेस अपनी अगुवाई के अंदर में लड़ रही तो इसका मतलब साफ है कि बाकी जो 28 पार्टियां हैं वो कहने की 27 पार्टियां हैं वो इस गठबंधन को अपना समर्थन देगी। लेकिन देखा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यहां पर मतलब कि मध्य प्रदेश के अंदर में अपने 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने का काम किया है, जिसको लेकर अब एक बड़ा सवाल उठा है कि जिस प्रकार ये इंडिया गठबंधन था, इस इंडिया गठबंधन इस शर्त पर ये बना था कि जिन प्रदेशों के अंदर में जो पार्टी मजबूत है वो पार्टी वहां पर लड़ने का काम करेगी और बाकी जो पार्टी है उसको अपना समर्थन देगी। लेकिन अखिलेश यादव के माध्यम से जिस प्रकार तमाम 9 विधानसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारा गया है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो बात है वो बनते हुए यहां पर नजर नहीं आ रही है। बहन मायावती ने एक बात शुरुआती दौर पर इस गठबंधन को लेकर कहा था, ये तमाम जो पार्टियां इन्होंने सिर्फ हाथ मिलाए हैं, इनके दिल नहीं मिले हैं, सब अपने कहने के वास्तविकता और अपने वजूद को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, लेकिन इस इंडिया गठबंधन का खास तौर पर कुछ भविष्य देखने को नहीं मिलता। और जिस प्रकार अब ये अखिलेश यादव के माध्यम से 9 प्रत्याशी को उतारा गया है, इसको लेकर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की, जो उनका बयान आया है उस बयान को लेकर लगातार सुर्खियां बने हुए है और कहने के बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर में कहने के अखिलेश यादव देखने को मिले। उनकी बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार की थी, कहने के उनको समझ में आ रहा था कि आखिर उनके साथ में क्या हुआ है। तमाम बड़ी बातें उन्होंने की है अखिलेश यादव के माध्यम से इस इंडिया गठबंधन को लेकर, कांग्रेस को लेकर खास तौर पर क्या कहा गया है, आइए सुनते हैं। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, ना वो जाकर के बम्बई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके? क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं? ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं? तो आगे क्या भी क्या ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे
तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा अखिलेश यादव ने तमाम जो बड़ी बातें कही है, उनका ये कहना था कि जो गठबंधन है वो गठबंधन अगर प्रदेश स्तरीय पर था या फिर तमाम देश लेवल पर था, ये तमाम चीजें क्लियर होने चाहिए थी। रात के 1 बजे बैठा कर तमाम तरीके की चर्चा करना, आखिर इसका क्या मतलब निकलता है। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी कह दिया कि कहीं ना कहीं जो इस देश के अंदर में जो इंडिया गठबंधन जिस तर्ज पर बना था, यहां तक कि उन्होंने ये सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर के जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के है अजय राय, इन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर तमाम तरह के सवाल या निशान खड़े किए हैं। उनको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया गया। इतना ही नहीं तो उन्होंने कहा कि वो न कि पटना के अंदर में मौजूद थे, न मुंबई की बैठक में मौजूद थे, तमाम बैठकों के अंदर में मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने कोई भी उनका किसी भी तरीके का कोई हक नहीं है इस प्रकार की तमाम तरीके की बातें वो करे। तो आप समझिए कि जहां पर ये जो गठबंधन है इसके अंदर में एक बड़ी फूट होते हुए नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर में अपना एक वजूद रखती है, जो कहने की उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस का जनाधार कहने की उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को नहीं मिलता। लेकिन बाकी अगर पूरे देश के अंदर में बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस अपना वोट बैंक रखती है। तो दोनों तरीके से यहां पर अब रास्ते खुल चुके हैं, और खासतौर पर देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के माध्यम से दोनों गठबंधन के अंदर, मतलब कि न कांग्रेस के साथ में न समाजवादी पार्टी के साथ में किसी भी तरीके के गठबंधन के अंदर में यहां पर शामिल होते नहीं नजर आए। लेकिन रास्ते अब इस प्रकार खुल चुके हैं कि अगर इस इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी अलग थलग हो जाती है तो कहने के बहुजन समाज पार्टी के लिए या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए तमाम तरीके की चीजें हैं या कुछ यहां पर बात बन सकती है बहुजन समाज पार्टी के साथ में, या फिर अगर इस समाजवादी पार्टी को खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर अलग थलग किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदारी के तौर पर कांग्रेस के साथ में बहुजन समाज पार्टी को देखने को देखा जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपने एक वोट बैंक को लेकर जानी जाती है, तकरीबन जो वोट बैंक पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का है, उत्तर प्रदेश के अंदर में खासतौर पर 40 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव करती है। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर में देखा जाए जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने 10 सांसद को जीता कर लाया था, तमाम वो अपनी की गढ़ की सीटें थी। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन था, लेकिन समाजवादी पार्टी 4 से 5 सीटों के अंदर में सिमट जाती है। और वहां तक की सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को भी नहीं बचा पाती, तो इसका मतलब साफ है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो चाहे संभव असंभव किसी भी परिस्थिति में जो दलित वोटर है खासतौर पर उनके साथ में बरकरार रहता है। अब ये दो तरीके की चीजें निकल कर आ रही है। अब बहुजन समाज पार्टी कहने के कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों पार्टियों की जो बात है वो बहुजन समाज पार्टी के बिना नहीं चलने वाली है, और इनकी किसी भी तरीके कोई दाल भी गलते हुए नहीं नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का जब तक के समर्थन खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कांग्रेस को या फिर तमाम तरीके से ये दोनों पार्टियों को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन जब तक के नहीं मिल जाता, तब तक के एक निर्णायक परिणाम कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के देखने को नहीं मिलेंगे। बहुजन समाज पार्टी कोशिश यही कर रही है कि खासतौर पर 4 विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एक कहने के अपने बलबूते पर एक आश्चर्यजनक परिणाम लाकर दिखाए, जिसका परिणाम आने वाले लोकसभा 2024 के अंदर में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और कहने के जो फैक्टर जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हमने आपके साथ में जारी करने की कोशिश की है, आपके साथ में साझा करने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के अंदर में अगर तमाम ये चीजें देखी जा रही, जिसको लेकर बड़ा बयान अखिलेश यादव के माध्यम से दिया गया, इसके पीछे की क्या असल सच्चाई है, ये तमाम चीजों को लेकर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।